पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव की पहल पर खरगोन जिले की दो संस्थाओं में नकली स्तर का खाद किसानों को बेचने का मामला संज्ञान में आया है, जिसमें कृषि विभाग के अधिकारी ने संस्थाओं से खाद के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा है। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने बताया कि उक्त संस्थाओं के संचालक मंडल पर दंडात्मक कार्यवाही की जाए। वहीं कृषि विभाग के उप संचालक ML चौहान ने सैंपलिंग की जांच के बाद पुलिस FIR दर्ज करने की बात कबूली है। साथ ही विभागीय जिला सहकारी प्रबंध संचालक RK जैन ने भी संस्थाओं के इस पहल को गलत बताते हुए कठोर कार्यवाही करने का खुलासा किया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। कंपनी इंदौर एवं आर्गो कंपनी का कितने खाद आए हैं अपने पास? 556। आपके गोडाउन को कब सील किया गया था? या क्या कोई कार्रवाई के लिए आए थे? कार्रवाई के लिए कृषि विभाग आए थे। कृषि विभाग ने पंचनामा बना के किसकी अनुमति से आपने खाद लिया था? किसानों की मांग अनुसार लिया। किसानों ने मांग कितना खाद आया और कितने किसानों को दिया? 556 बैग आया, 226 बैग वितरण किया है पनवेल से। जिन किसानों को दिया उनकी सूची आपके पास मिल जाएगी? मिल जाएगी। अच्छा, आप किस किस कंपनी की खाद बेचते हैं? प्रको, इफ्को, सरदार, NFL। इस कंपनी को लेने के लिए क्या टाइम कुछ एग्रीमेंट किया गया था या कुछ कहीं से कुछ आया था जिसकी अनुमति से आपने लिया? नहीं, ये किसानों की डिमांड के ऊपर बनवा लिया था, क्योंकि कई विभाग से कोई स्वीकृति नहीं। कृषि विभाग को कैसा मालूम पड़ा था कि आप यहाँ बीज बेच रहे हो? कौन सा बीज बेच रहे थे जिस पर प्रतिबंध लगा? कौन सा बीज बेच रहे थे? यही सर, NPK बीज में। ये प्रतिबंधित थे क्या? प्रतिबंधित। क्या नाम है आपका? शंकर लाल मंडवे। किस पद पे हो? और उसको देख कृषि विभाग ने नोटिस भी दिया है CCB को। क्या कहना चाहते हैं? कृषि विभाग ने नोटिस सोसाइटी के मैनेजर को दिया था और हमने भी उससे उसको शोकाज दोनों को जारी किया था। जो अपने सोसाइटी में जो फर्टिलाइजर जो भी जाता है तो मार्केटिंग फेडरेशन से जो अप्रूव है वही भाग सोसाइटियों में जाता है। और बार यूरिया 12/16 DAP और NPK पोटाश इन खाद को छोड़ के बाकी खाद जिला विपणन अधिकारी जो मार्केटिंग फेडरेशन और बैंक के MD के संयुक्त हस्ताक्षर प्रोग्राम होता वही खाद सोसाइटी में जाता है। इन दोनों समितियों में जो खाद लिया गया इन लोगों ने मैंने सीधे कंपनी वाले से बात करके और फर्टिलाइजर लिया। हमारी जानकारी में जब आया जब शोकाज जारी करा इनको और हमारी जानकारी में आया हमने भी इनको शोकाज जारी करा है तो उन लोगों पर विरुद्ध कठोर कार्रवाई के लिए कार्रवाई करते हैं। अच्छा, नहीं उसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री अरुण यादव ने सीधा आरोप लगाया कि सोसाइटियों को जो प्राइवेट कंपनी है उसने 30,000 प्लस लैपटॉप दिए। पूरा घोटाला है ये तो वहाँ का समिति प्रबंधक से आप चर्चा करेंगे वही बता पाएगा। हमारी जानकारी में तो तब आया जब वहाँ ये इस तरह का जो है जानकारी बैंक की जानकारी में हमने उनको शोका जारी किया है और जो समिति प्रबंधक जो कैडर का उसको निलंबन की कार्रवाई हम कर रहे हैं। दूसरा जो समिति प्रबंधक है वो सोसाइटी का खुद का प्रशासक को हमने लिखा है कि इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। सोसाइटी के बड़े बड़े गोदामों में इतना माल भेजा रहता है तो कोई ऐसी जांच अपनी हो नहीं रही है जो देखेगी क्या बेच रहे हैं कि क्या दे रहे हैं? हर 3 महीने में हमारे जो सुपरवाइजर है ब्रांच मैनेजर वो फिजिकल वेरीफिकेशन करते हैं स्टाफ का और जो भी शॉर्टेज होती है ऐसा मामला वैसे ये जो है पहली बार सामने आया कि दो समितियों ने इस तरह का इकलाद जिले में कभी भी कोई भी इस तरह का भाग कहीं भंडारण नहीं हुआ कि जो मार्केटिंग फेडरेशन से अप्रूव नहीं है। ये दोषी और लापरवाह कौन है इसमें? इसके लिए समिति को मतलब लापरवाह ब्रांच मैनेजर की जानकारी में भी नहीं था। जो वहाँ का जो ब्रांच मैनेजर टेमला है उसका दागी उसकी जानकारी में भी नहीं था। किसानों की मांग पे क्या बुलवा सकते हैं? नहीं बुलवा सकते, किसी से भी नहीं बुलवा सकते। तो कार्रवाई होगी कठोर कार्रवाई। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि जो रजिस्ट्रार की जो पॉलिसी है कि मार्केटिंग फेडरेशन जो प्रदेश में है उससे जो अप्रूव कंपनियां हैं उन्हीं का खाद समितियों में बिकेगा, बाकी जो अप्रूव नहीं है तो उनका खाद नहीं बिक सकता।
इसकी शिकायत भी आपने कराई, जांच भी कराई थी, क्या मामला सर नकली खाद के आरोप लग रहे हैं? वो मैंने पूरे ज़िले में जितनी भी पैक्स की समितियां हैं उनमें ये देखवा था कि जांच करवाई थी कि भाई कहाँ कहाँ किस प्रकार का खाद है और उनकी सैंपलिंग करवाई जाए, तो उसमें दो समितियां ऐसी पकड़ में आई जिसमें रजूर और टेमला है, वहाँ पर बायो फर्टिलाइजर नाम से कोई खाद रखा हुआ है, तो मैंने वो संदेहास्पद मानकर उसको 21 दिन के लिए उसको बैन कर दिया है, नोटिस जारी किया हम लोगों को, और उसी तारतम्य में हमने GMCCB मार्फेट के DMO और डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी उनको एक चिट्ठी जारी की है, उनसे जवाब मांगा है किसकी परमिशन से ये खाद आपकी समिति में भंडारित हुआ है, किसके आदेश से हुआ है, और उनसे जानकारी आने के पश्चात फिर हम उस पर जो भी फर्टिलाइजर एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। सर क्या इसको नकली माना जाए खाद को? नहीं, अभी उस पर कॉन्टेंट कुछ लिखा हुआ नहीं, केवल NPK बायो फर्टिलाइजर लिखा हुआ है, हम उसको कुछ कह नहीं सकते, हालांकि हमने उसके सैंपल लेके लेबोरेटरी को भेज दिए हैं। हाँ, एक लेबोरेटरी को जबलपुर गया था, वो सैंपल लौट के भी वापस आ गया है, उनने कहा भाई इसमें कॉन्टेंट नहीं लिखा हुआ है, NPK का परसेंटेज नहीं, इसलिए हम इसकी जाँच नहीं कर सकते। तो सर बड़ा गंभीर मामला है सरकारी सोसाइटी में इस प्रकार खाद दिखने, आप क्या मानते हैं? मैं चाहता हूँ कि इस पर बहुत कठोर कार्रवाई होना चाहिए और मैं करूँगा। क्या उनका कहना है किसानों की मांग पे बुलवाया गया? नहीं, किसानों की मांग पे नहीं बुलवा सकते आप, आपको बुलवाना है तो मार्फेड और जो DRCS या MD कोऑपरेटिव है उनके संयुक्त हस्ताक्षर से कोई खाद की डिमांड आती है, उसके बाद समिति में भंडारित होता है। ऐसा नहीं समिति प्रबंधक अपने मनमाने तरीके से कुछ भी भंडारित करके बेचना शुरू करते, ऐसा कोई नियम नहीं है। सर इसमें इस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि सोसाइटी वाला को 30,000 रुपए भी दिए, लैपटॉप भी दिया, उस हिसाब से वो बेच रहा है, तो इस तरीके वो तो फिर गलत है, वो ऐसा होता है उनकी FIR होगी, क्या दिक्कत है? मतलब इसमें पुलिस कार्रवाई कराएंगे क्या सर? बिल्कुल करवाएंगे, उनका जवाब आने पर मैं तत्काल करूँगा, FIR कराएंगे, FIR करूँगा। किसानों को माल भी बेचा है इसमें? वो सारी जाँच हो जाएगी। क्या नाम है सर? क्या नाम सर आपका? ML चौहान, उप संचालक कृषि। आपने कार्रवाई भी की है, आप केंद्रीय कृषि मंत्री भी रहे, जिस प्रकार से ये मामला सामने आया क्या कहना चाहेंगे? देखिए समूचे प्रदेश में भारी लूटमार मची हुई है, पैरामाउंट नाम की एक कंपनी जो मैंने पहली बार सुना कि बायो NPK बन रहा है, सुनी सुना प्रोसेस ये है कि सरकार मार्केट के थ्रू सोसाइटियों को माल देती है और सोसाइटी फिर किसान पर अपना खाद बेचता है, ये सिस्टम है। एक निजी कंपनी जिसने भारतीय उच्च अधिकारियों के साथ, हो सकता है कि स्थानीय जो संस्थाएं हैं कॉपरेटिव संस्थाएं उनके अधिकारियों के साथ मिलकर डायरेक्ट सप्लाई खाद कर, हमें जानकारी लगी तो हमने रात किराए आप लोग भी जल पहुँचे थे कुछ साथ ही, तो डायरेक्ट मैनेजर के साथ मिलकर यहाँ तक भी जानकारी लगी है कि टेबला के मैनेजर को 30,000 रुपये की रिश्वत और एक लैपटॉप गिफ्ट में कंपनी द्वारा दिया गया। रजूर में, टेबला में, जोगवाड़ा में, सेंधवा की एक और सोसाइटी में, बलवाड़ी में, हार की 5 सोसाइटियों में, राजगढ़ और कलेन की अनेक सोसाइटियों में, ज़िले में और समूचे प्रदेश के अन्य जिलों में, तब हमने विभाग के लोगों को चेताया, कार्रवाई हुई और मैंने कलेक्टर से, SDM से, कॉपरेटिव बैंक के MD से और कृषि विभाग के अधिकारियों से कहा है कि जिन लोगों ने नकली बीज प्रदाय करने का जरूरत की है किसानों के साथ, उनके खिलाफ FIR लॉज हो और उनको जेल की हवा खानी चाहिए। सोयाबीन का नकली बीज किसानों को प्रदाय किया जा रहा है, जो बीज हमें बीज निगम के माध्यम से 5-6,000 रुपये का प्रोडक्शन का बीज मिलता था एक ज़माने में, 12,000 रुपये क्विंटल में भी बीज उपलब्ध नहीं है। जो बीज आ रहा नॉन सर्टिफाइड है, तो इस पर सरकार का कोई उस पर लेबल नहीं है, कोई स्टिकिंग नहीं है, बाजार में उपलब्ध है, जो काश्तकार बीज लेने जा रहा है बेचने वाला कोई गारंटी नहीं दे रहा है कि ये चीज बोने के बाद ये उगेगा, सबसे जर्मिनेशन होगा कि नहीं होगा, बिना बिल पे दे रहा है, बिना बिल का माल बाजार में उपलब्ध है। इस तरह का किसानों के साथ जो लूट है वो चरम पर मध्य प्रदेश में है।
कृषि विभाग के मंत्री जी का तो आप सभी जानते हैं क्या हाल है। उनका खुद का भतीजा हरदा में नकली सोयाबीन बीज का सर्टिफिकेशन कराकर बेचने की के गलत काम में पाया गया, आपको शायद जानकारी हो, अखबार में छपा है। उनका खुद का सगा भतीजा तो पूरी सरकार किसानों के साथ लगता है मिली भगत से चल रहा है। कैसे होगा आप बताइए कि रजू की सोसाइटी में देवला में डायरेक्ट खाद कैसे पहुंचा, उच्च अधिकारियों की बिना जानकारी के खाद कैसे पहुंचा, ये बड़ा सवाल है जिसमें सब लोग भैया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।